हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्बन रसोई में। आज मैं आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ हमारे चैनल पर, दैट इज किचन टूर। मैंने इस वीडियो को अभी तक इसलिए डिले किया क्योंकि हमारा किचन फर्निश्ड नहीं है। मॉड्यूलर तो क्या, काउंटर टॉप के नीचे सिंपल शेल्फ भी नहीं है। नेक्स्ट मंथ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम अपने किचन को फर्निश्ड कराएंगे, तो जैसा जैसा काम आगे बढ़ता जाएगा वैसा वैसा अपडेट तो मैं आप लोगों के साथ करती जाऊंगी, पर अभी के लिए यही किचन टूर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो ये किचन है थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं काफी बड़ा है, और जो काउंटर टॉप है वो पूरा एल शेप में है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैस स्टोव से। तो यहाँ जो हमारा गैस स्टोव है वो एकदम बेसिक स्टेनलेस स्टील का गैस स्टोव है, 3 बर्नर वाला। सुबह की भागदौड़ में ये 3 बर्नर वाला गैस स्टोव बहुत काम आता है। नाउ गैस स्टोव से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पर एक कॉर्नर है। कॉर्नर में यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक 2-tier मेटल शेल्फ लिया है, ये आइकिया से है। और यहाँ पर जो कुकिंग के लिए मुझे एसेंशियल चीजें लगती है वो सारी रखी हुई है। इस मेटल शेल्फ के पास में ही एक और मेटल ट्रे रखी हुई है, ये भी आइकिया से ही है। यहाँ पर मेरे ऑयल डिस्पेंसर रखे हुए हैं और एक होल्डर है जिसमें बेसिक किचन के टूल्स रखे हुए हैं। और बाद में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक DIY मैंने किया है, मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो गैस स्टोव के पास में ये जितना एरिया है ये मेरा वर्किंग स्टेशन है, यहीं पर चपाती वगैरह मैं बनाती हूँ। और इसके ऊपर ना एक बहुत बड़ा विंडो है जहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आती है। तो यहाँ पर मैंने वो सारे प्लांट्स रखे हैं जिनको मुझे प्रोपोगेट करना है। और यहाँ पर एक ये हैंगिंग मनी प्लांट भी लगाया है मैंने, रात में जब विंडो बंद करते हैं तब ये निकाल लेते हैं। फिर थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजर है आपकी लिड्स चॉपिंग बोर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नाउ थोड़ा और आगे आते हैं, तो ये है हमारा सिंक एरिया। उसके बाद ये वाला जो शेल्फ है ये भी आइकिया से है और इसमें बेसिक क्लीनिंग एसेंशियल्स रखे हुए हैं। 2 टैप हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 2 कैलेंडर रखे हुए हैं जो सब्जी धोने के लिए बार बार उनमें से पानी को निकालने के लिए यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहीं पे रखा हुआ है। नाउ सिंक के ठीक पास में ऊपर RO लगा हुआ है, और RO के पास में मैंने एक फेक प्लांटर रखा हुआ है हैंगिंग, जो कि दूर से देखो तो काफ़ी अच्छा लगता है। RO के ठीक नीचे ये हमारा वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, ये काफ़ी बड़ा काउंटर स्पेस है और ये पूरी स्पेस मैंने एम्प्टी रखी हुई है क्योंकि सुबह की भागदौड़ में अल्टीमेटली सब कुछ भर ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। और फिर नेक्स्ट जो ये वाला सेक्शन है ये है मेरा पूरा किचन अप्लायंसेस का। तो सबसे पहले रखी है ये केटल जो मुझे बहुत काम आती है। एक तो सुबह उठते बराबर घर में सभी लोग गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद कुकिंग के लिए भी मैं गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ, और अभी विंटर्स में तो ये बहुत ही काम आती है। इसके बाद मैंने रखा है ये न्यूट्री ब्लेंडर जो कि बहुत ही कमाल का है। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं चैनल पर दे चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। और उसके बाद है मिक्सर ग्राइंडर, और काउंटर टॉप के कॉर्नर में मैंने रखा है ये एक शेल्फ। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था इस शेल्फ के बारे में, ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, ये कस्टम मेड है, मैंने एक लोकल शॉप से बनवाई थी, प्योर स्टेनलेस स्टील की और काफ़ी स्टर्डी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। यहाँ पर ये जो 2 बॉक्सेस है इनमें कैंडीज और चॉकलेट्स रहती है मेरे बेटे की, उसकी पहुँच से दूर और थोड़ी सी छुपी हुई। साथ में वो जो आप रेड एंड वाइट बॉक्स देख रहे हैं उसमें भी मेरे बेटे के स्नैक्स ही रहते हैं। उसके बाद है ये मेरा OTG अवन कम एयर फ्रायर, बहुत ही बढ़िया अप्लायंस है, एक अप्लायंस में आपको दोनों के फायदे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बीच का स्पेस है यहाँ पर मैंने एक ट्रे रखा हुआ है, ये भी DIY ट्रे ही है, और यहाँ पर मैंने डेली जो मैं कंज्यूम करती हूँ ड्राई फ्रूट्स वो रखे हुए हैं। और सबसे नीचे है मेरा माइक्रोवेव। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा काउंटर टॉप, और काउंटर टॉप के ठीक पास में दरवाज़ा है जो हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ जाता है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मेरी वेजिटेबल बास्केट रखी है जहाँ पर अनियन पोटैटो टमेटोज वगैरह रखे हुए हैं, और उसके ठीक पास में रखा हुआ है फ्रिज। फ्रिज के ठीक ऊपर 2 बास्केट्स रखी हुई है, एक फ्रूट बास्केट है, और ये वाली जो बास्केट आप देख रहे हैं इसमें जो गोभी और पत्ता गोभी देख रहे हैं वो हमारे किचन गार्डन की है, एकदम फ्रेश अभी तोड़ी हुई। तो फ्रिज के ठीक पास में ये एक व्हाइट बोर्ड लगाया है, इस व्हाइट बोर्ड के ठीक ऊपर ये ईट वॉल डेकोर है, ये भी मैंने ही बनाया था, इसका DIY वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर है। और साथ में ये कुछ स्पून है किचन को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। तो इसके पास में व्हाइट बोर्ड के पास में एक दरवाज़ा है,
ये हमारा अंदर स्टोर है और स्टोर भी काफ़ी बड़ा है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे दो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखे हुए हैं और इनके ऊपर ये एक स्टील का यूटेंसिल रैक है। यहाँ पर मेरे सारे यूटेंसिल्स, थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच सब कुछ लगे हुए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक ट्रॉली रखी हुई है मैंने, जिसमें बेसिक किचन आइटम्स रखे हुए हैं। तो इस रैक के पास से फिर से हमारा काउंटर टॉप चालू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलमोस्ट 360 डिग्री व्यू दे दिया है हमारे किचन का। तो स्टार्ट करते हैं इन चेस्ट ऑफ ड्रॉर से। तो ये जो पहला चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, यहाँ पर सारे टूल्स रखे हुए हैं, जैसे ये विस्कर है, ये कीप है, चाय की छन्नी, ये मेरा स्टीमर बास्केट, ग्रेटर। नेक्स्ट जो ये सेकंड वाला ड्रॉर है, इसमें सारे स्टील के डिब्बे रखे हुए हैं, जैसे ये रोटी रखने के लिए लगता है, बड़े छोटे कुछ अलग अलग तरह के बोल्स हैं। थर्ड वाला जो ड्रॉर है वो पूरा डेडिकेटेड है माइक्रोवेव के यूटेंसिल्स के लिए। ये सब कुछ जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये सब माइक्रोवेव सेफ है, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट ड्रॉर में रखा है। लास्ट वाले ड्रॉर्स में सारे किचन नैपकिन्स और वेजिटेबल्स रखने के लिए जो बैग्स लगते हैं वो सब रखे हुए हैं। इस बास्केट में देखिए तो वो सारे मसाले रखे हुए हैं, जैसे भुना जीरा, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, जो मुझे रोज़ कुकिंग करते समय लगता है। सेकंड ड्रॉर है, उसमें सारे कप्स रखे हुए हैं। थर्ड ड्रॉर डेडिकेटेड है टिफिन्स के लिए, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के सारे लंच बॉक्स रखे हुए हैं। और इसी तरह से फोर्थ ड्रॉर में भी कुछ निकनेक आइटम रखा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखी एक ट्रॉली, ये ट्रॉली भी काफ़ी स्टर्डी है और ये भी आइकिया से है। थ्री सेक्शंस है इसमें, तो ऊपर वाले सेक्शंस में मैंने ये कुछ टिन के बॉक्सेस रखे हैं और एक ये मेरा DIY बॉक्स रखा है मैंने। उसके बाद सेकंड वाले शेल्फ में मैंने पूरा आइटम रखा है जो मुझे चपाती बनाने के लिए यूज़ होता है। और थर्ड वाले सेक्शन में मैंने रखा है सारे अपने जो कास्ट आयरन और आयरन की कढ़ाइयाँ होती है उनको रखा है। अब आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि किचन में इतना सा सामान तो होता नहीं है, काफ़ी सारा होता है, और वो सब कहाँ रखा है। तो ये है हमारा स्टोर, जहाँ पर तीन बड़े बड़े शेल्फ बने हुए हैं। और जो पहला शेल्फ है उसमें पूरी पेंट्री ऑर्गेनाइज की है मैंने, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो सेकंड वाला शेल्फ है उसमें मैंने सारे एक्स्ट्रा मसालेस, कुछ मिसलेनियस आइटम और नीचे वाले सेक्शन में एक्स्ट्रा कुकवेयर्स रखे हैं और एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं, जब गेस्ट आते हैं तब हम निकालते हैं। ये थोड़े बड़े बड़े बर्तन हैं जो मुझे रोज़ यूज़ नहीं होते। और ये जो थर्ड वाला शेल्फ है इसमें पूरा अर्बन रसोई का सामान रखा हुआ है, जो वीडियोस बनाने के लिए मुझे लगता है, वो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मेस्ड अप है। फिर किसी दिन जब इसे ऑर्गेनाइज कर लूंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये किचन टूर वीडियो कैसा लगा। आगे जैसे जैसे हम इसे फर्निश कराते जाएंगे वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ऑल्सो, आप में से बहुत से लोग मुझसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिंक के बारे में भी पूछते हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि उस वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक्स हों उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, पर कई बार मिस भी हो जाता है। तो मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अर्बन रसोई अमेज़न स्टोर का लिंक ज़रूर मिलेगा। अमेज़ॉन पर अर्बन रसोई का एक पेज है, वहाँ पर आपको वो सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मैं रिकमेंड करती हूँ और मेरे पर्सनल फेवरेट है। फिर चाहे वो कुकवेयर्स हो, किचन अप्लायंसेस, किचन टूल्स, क्राफ्ट सप्लाइज या मेरे पर्सनल फेवरेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, अर्बन रसोई को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को ज़रूर से बजाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ऑल्सो, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टा हैंडल है स्वाति अर्बन रसोई, चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स और बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।